कर्फ्यू रात का लागत का 10 बजे से 5 बजे तक का कर्फ्यू लागत है। जब आदमी कैसे मिलत है, किसान से मिलत है कि कहीं जंगल से मनई से मिलत है, कैसे मिलत है? दिन का आदमी जब भीड़ लागत तो बीमारी नहीं होते, रात का आ जाते हैं। तो अखिलेश, आप अखिलेश यादव के क्या काम अच्छा किए हूँ 12 से 17 में? अखिलेश यादव इतना काम, जैसे 102 नंबर चला दिन, 108 चला दिन, तमाम चीजें, केवल इन्होंने नाम बदला है। अच्छा, जैसे 100 नंबर जो गाड़ी चल रही है। और भी कुछ लोग हैं, हम यहाँ इधर और भी कुछ लोग हैं, जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अरे हम, अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल, सज्जन बात कर रहे थे, बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ नाम बदले हैं, विकास तो अखिलेश यादव किए थे, सहमत है इस बात से? हमको कुछ जानकारी नहीं ना मेरे बारे में, जो हमको। अच्छा अच्छा, और भी कुछ लोग हैं? क्या आप बात करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? राकेश। पंचायत, ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत सिंहपुर। अभी जो सज्जन बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ नाम बदले हैं, विकास तो अखिलेश यादव किए, सहमत इस बात से? सहमत है, सब लोग सब ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है। हाँ, जो हो रहा है सब ठीक है, खुल के कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, उनकी बातों का हम जवाब मांग रहे हैं। आप बोल रहे सब ठीक है, तो सब ठीक है, तो अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही थी, तो मतलब ठीक है? किसी की बुराई हम काहे करें? अच्छा, किसी की बुराई नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा क्या हम केहू के बुराई ना करबे, ना अखिलेश के, ना मोदी के, ना योगी के, हम केहू की बुराई नहीं कर सके। अभी जो आपके विधायक है यहाँ से तिलोई विधानसभा क्षेत्र से, उतने उससे कितना प्रतिशत आप लोग सहमत हैं, कितने खुश हैं, या क्या कुछ और चाहते हैं अपने विधानसभा में? विधानसभा में तो कमी नहीं रहे, कमी बनी रहते, कमी कभी पूरी नहीं होते। अच्छा, हाँ, कमी कभी पूरी नहीं ना हुए, चाहे विधायक कोई भी आए। हाँ, चाहे जैसे कमी क्या बनी रही? कमी सब कुछ बनी है कि गांव मोहल्ला में नाली साफ हो रही है, ना समय पर कुछ हो रहा है। देखो गंदगी कहाँ कहाँ है, हर चीज हो रहा है। और वो जो सफाई कर्मी हैं, जो आते हैं तो कहीं है हम नहीं सफा करेंगे, हमारा ऐसे वैसे होता है, कहीं ये सफाई में दिक्कत है, गंदगी सब गांवन में फैली है, अब हम लोग सब। अच्छा चलिए, और भी कुछ लोग हैं इधर, बात करते हैं। और आइए इधर आइए, बात करिए कुछ हम लोगों से, कैमरे की नज़र से नहीं जाइए, इधर आइए। आप बात करेंगे? नहीं बात करते। आप इधर कोई बात करेंगे? अच्छा, इधर सब बात हो गया। अरे कोई बात नहीं है, एक बार अपना परिचय दे दीजिए सर जी। श्रीचंद चौरसिया, ग्राम पंचायत सिंहपुर। सिंहपुर ग्राम पंचायत है आपके? सिंहपुर के ही सज्जन अभी बता रहे थे, तो बहुत जने बतावा करत। बहुत जने बताओ, खाए के बाद फिर सब बतावा डकारा ही करत। अच्छा, खाए के बाद मतलब आप सहमत नहीं हो उस बात से? अरे सहमत हुई वाली बात हुई तो सहमत हो जाएगी। अच्छा, तो आपके क्या विचार है? विचार सब बढ़िया है। विचार बढ़िया, सरकार बढ़िया है। सरकार बढ़िया है तो इस बार 22 में यूपी योगी सरकार। अच्छा, फिर वही सरकार है ना? हाँ बिल्कुल। और चाहते क्या क्या हैं आप लोग अपने राज्य में? अरे राज्य में सब जौन कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। राम मंदिर लियो, अबे तक विपक्ष चिल्लात रहा मंदिर, वो क्या नारा दिए थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर बन गया, रामलला भी आ गए। अच्छा, और क्या चाहिए? विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, राशन दो दो बार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है बिल्कुल। अच्छा भाई, ग्रामीण लोगों को नरेगा में रोजगार मिल रहा है, जो अपना बाहर रहते हैं उनको बाहर। बीमारी आ गई, बीमारी तो सबके ऊपर, उससे क्या कोई क्या करे भाई? और बीमारी पे इतना सरकार किया, कोई कम थोड़ी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी भी हुई थी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कि यूपी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो राम भरोसे चल रही है। तो ये तो सब कहूँ रहा है, सब कहूँ रहा भाई, कहूँ यूपी के बात थोड़ो रही है। अच्छा, राजस्थान में कांग्रेस के सरकार रहे हुआ कौन बड़ी भारी हुआ हो गए। अच्छा, कतनी लूटपाट मची है हुआ। हाँ, कतने हरिजन मारे जा रहे हैं, कोई सुने वाला है राजस्थान में? है तो कांग्रेस के सरकार। पंजाब में का हो रहा है हुआ को देखिस? अच्छा, पंजाबों को देख लियो स्थिति, जहाँ जहाँ कांग्रेस के सरकार रहे हुआ कतनी बड़ी, कतना बड़ा विकास हुआ जा रहा है, कतना बड़ा भारी जो उनका नाम की हुआ हो सुरक्षा हो रही है आम पब्लिक के। अच्छा, तो हुआ से अच्छा तो यूपी है न है? एको गुंडा माफिया रह गए रोड पर। अच्छा, हाँ सब जेल के अंदर है, और जितने वो इतना वाले हैं वो जही हैं सर।
चलिए और भी कुछ लोग हम बात करेंगे यहाँ पे। और चूँकि तारीखों का ऐलान होने के बाद जो राजनीतिक सुगबुगाहट है, क्या नाम हुआ आपका? नसरुद्दीन जी। नसरुद्दीन, ग्राम पंचायत सिंहपुर। क्या मुद्दा होगा इस बार 22 में, किसको, मायावती या अखिलेश, योगी आदित्यनाथ या फिर प्रियंका गांधी? अरे सबकी सरकार जो ना आ जाए तो सब ठीक है। अच्छा, सरकार सब जो सरकार आ जाए वही सरकार के हम हैं। जो सरकार आ जाए वही सरकार, वही सरकार के हम हैं, वो सरकार हमारे लिए ठीक। अच्छा, तो मुद्दा कौन, काम कौन अच्छा किए हैं अभी? काम सब कौन नहीं कर रहा, अपने हिसाब खराब नहीं करते, वो अपने हिसाब से खराब नहीं करते, अपने हिसाब से। आपके हिसाब से सरकार काम अच्छा कर, आपके हिसाब से कैसा रहता है? बढ़िया है, आपके हिसाब से बढ़िया है, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, स्थानीय मुद्दा क्या? जो हुए ऊपर ईश्वर करे तो हुए, हमारे किए तो हुए ना, कहीं ना कहीं खुल नहीं रहे हैं आप। यहाँ पेपरों की टोली है, लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं भैया ने कुछ नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार। ग्राम पंचायत सिंहपुर। सिंहपुर ही है ग्राम पंचायत। क्या होगा इस बार मुद्दा, बस आ जाइए तो हमको बात करने। मुद्दा कोई नहीं, बस मुद्दा विकास का है। अच्छा, और कोई मुद्दा नहीं? मुद्दा विकास का है। तीनों में से किसका कार्यकाल अच्छा गुजरा आप लोग? हम तो अखिलेश भाई से अच्छा लगा। अखिलेश यादव। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, क्या कार्यकाल अच्छा गुजरा? अरे हर कार्य उनके, हर समय में हर चीज अच्छा रहा। अभी हम बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि मतलब विकास का काम हुआ है योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ विकास भाई। क्या कुछ? बस बेको बनाना है, बस और कुछ नहीं। बेको बनाया गया और कुछ नहीं। बस मैं इसमें इतना जानता हूँ कि इस अखिलेश सरकार जो है सबसे अच्छी सरकार है। अच्छा, कहा है आपको अच्छी लगती है? अरे हर तरह से अच्छी है भाई, रोजगार लीजिए, नौकरी लीजिए, हर जगह से ठीक। अच्छा, तो इस बार अखिलेश सरकार। चलिए और भी कुछ है, हम यहाँ पर और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आ जाइए इधर, आ जाइए इधर, आइए पीछे से नहीं झांकिए, हमारी कैमरे की नज़र पे आइए ना, आइए। क्या नाम हुआ? रामफल हमारा नाम। ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत खारा। थोड़ा जोर से बोलिए ना, खारा। आज नज़दीक आइए ना, हम नहीं मार के भागेंगे। हम नहीं भागेंगे। इधर आइए, आगे आगे आइए। इस बार क्या होगा मुद्दा विधानसभा चुनाव में, किसको? ठीक है जो चल रहा है 22 में, किसको, अखिलेश, मायावती, योगी आदित्यनाथ? नहीं, वोट गोपनीय रहेगी। अच्छा, वोट गोपनीय रहेंगे, है ना, ठीक। स्थानीय क्या मुद्दा होगा? स्थानीय कोई मुद्दा अभी तो विधायक वर्तमान में आपके यहाँ से मयंकेश्वर सिंह कितना काम किए हैं, उनका काम आपको कितना पसंद है? ठीक है सर। क्या सहमत है या फिर बदलाव करेंगे? सहमत हैं हम सर। सहमत है काम से? अच्छा, मतलब खुल भी नहीं रहे हैं पूरी अच्छी तरीके से। आइए, अरे आप लोग आइए ना भाई, शिक्षा का मुद्दा बताइए, क्या है शिक्षा में काम हुआ है? वैसे खुल नहीं रहे लोग। हम तो यादव है भाई, हमारा अखिलेश में गिनती है, हम अखिलेश से वोट। यादव है इसलिए अखिलेश में गिनती है? नहीं नहीं, वैसे भी हम अखिलेश से वोट देंगे। अच्छा, नहीं आपने खुद हमारा साठ चल रहे हैं, समय खेत बहुत चल रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारा खेत चल रहे हैं साठ। आपने सबसे पहले यही कहा, हम तो यादव है, हमारा वोट अखिलेश। नहीं, वो योगी कह रहे हैं कि यादव हमको देंगे नहीं, ये ऐसा बोल रहे हैं। हम देखा कई बार न्यूज पे, देखा कई बार, हमने सुना कान से सुना। अच्छा, हाँ, तो हम तो भाई अखिलेश से वोट देंगे। बाकी तीन को जो और हैं, अब उनको अपने अपने विचार सबका, हम किसी को कह नहीं सकते कुछ। अच्छा, हाँ, हमारा साठ भी चल रहे हैं, खेत बड़ा नुकसान हो रहा है, यादव ही इसलिए अखिलेश को दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज और ये देख सकते हैं कि जो एक जाति का जो पॉलिटिक्स है वो भी हावी, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे सड़क पे हैं। आइए आइए आइए। क्या नाम हुआ सर जी? शिवानंद क्षेत्र। ग्राम पंचायत सिंहपुर। सिंहपुर, आपका भी सिंहपुर है, और यहाँ हम प्रखंड मुख्यालय के पास खड़े हुए हैं, अधिकतर लोग सिंहपुर से ही हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार 22 में? हम लोग योगी के आदमी खुल्ला खुल्ला है ना। हाँ, का है भैया का हो ना यहाँ, फिर भी का चीज पसंद आवे है? अरे हमका बहुत कुछ होंगे पसंद। अच्छा, हिंदू है, हिंदू काम करी थे। अच्छा, अब आके बात करिए आप। आ जाइए इधर, चलते फिरते भी बात कर लेते हैं। जल्दी, जल्दी। दो मिनट बताओ, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अहमद। अच्छा, क्या मुद्दा होगा इस बार? काम क्यों 22 में किसकी सरकार? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार? अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे बोल के भाग गए। तो चलिए
यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में तारीखों का ऐलान हो चुका है, वोटर पूरी तरीके से खुल तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो खुल रहे हैं वो खुलकर अपनी बेबाकी राय भी रख रहे हैं। अभी हम मौजूद थे जनपद अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र में और हम यहाँ प्रखंड मुख्यालय सिंहपुर में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, लोगों से उनकी राय ले रहे थे और इस बार वो किसको अपना नेता चुनेंगे, किसको अपना मुखिया बनाएंगे, हम इन सब चीज़ों पे बात कर रहे थे। लगातार हमारा ये सफ़र जारी रहेगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके।